2021 आने वाला है एंड बहुत लोगों के दिमाग में आ रहा होगा ये सवाल कि 2021 में डिजिटल मार्केटिंग का क्या होने वाला है, 2020 में जो कोरोना का पीरियड था ये 2021 में डिजिटल मार्केटिंग को कैसे इंपैक्ट करने वाला है। अगर आपके मन में भी आता है ये सवाल, जानना चाहते हैं डिजिटल मार्केटिंग में क्या क्या चेंज आने वाला है 2021 में, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से जरूर देखिए। फ्रेंड्स, मेरा नाम है विकास, आप देख रहे हैं कलाम एकेडमी। एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आगे बढ़ने से पहले, देखिए वीडियो बनाने में बहुत एनर्जी लगता है, बहुत टाइम लगता है एडिट करने में, रिसर्च करने में टॉपिक के बारे में, एंड नेक्स्ट वीडियो बनाने का मन तभी करता है जब वीडियो के नीचे आप कुछ कमेंट करते हो, कमेंट करके आइदर अप्रिशिएट करते हो या जो कमी लगता है वो नीचे कमेंट करके बताते हो। तो फ्रेंड्स, ये छोटा सा रिक्वेस्ट है, आगे बढ़ने से पहले नीचे कुछ कमेंट कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कीजिए, एंड अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके ही आगे बढ़िए। तो फ्रेंड, सबसे बड़ा जो डिफरेंस है 2020 और 2021 में डिजिटल मार्केटिंग के स्पेस में वो ये है कि 2020 के अर्ली में आपको सामने वाले को ट्रेडिशनल बिजनेस में बहुत मेहनत करना पड़ता था बिजनेस ओनर को समझाने में कि डिजिटल मार्केटिंग का क्या बेनिफिट है, डिजिटल मार्केटिंग से उनके बिजनेस को क्या फायदा होगा। लेकिन 2021 में सेम बिजनेस ओनर से आप मिलोगे तो उन्हें पता है कि डिजिटल मार्केटिंग तो बिजनेस का जरूरी है, डिजिटल मार्केटिंग के बिना बिजनेस का ग्रोथ नहीं होगा, बिजनेस को डिजिटल लेके जाना कितना जरूरी है अब उन्हें खुद पता है, वो खुद अवेयर हो गए हैं। कोरोना कम से कम ये चेंज तो लेके आए कि लोग डिजिटली लिटरेट हुए और अपने बिजनेस को डिजिटली बढ़ाने का, डिजिटल लेके जाने का, ऑनलाइन लेके जाने का खुद सोचने लगे हैं। इस अवेयरनेस के चलते सबसे पहला और सबसे बड़ा जो चेंज आपको देखने को मिल रहा है एंड जो मिलेगा आगे वो ये है कि छोटे बिजनेसेस भी ऑनलाइन जाने के लिए एफर्ट लगाएंगे, ऑनलाइन एड पे स्पेंड करेंगे, ऑनलाइन अपना प्लेटफॉर्म डेवलप करेंगे या करवाएंगे, एंड इन एड्स पे स्पेंड करने के चलते, स्पेंड करवाने के चलते मार्केट में बहुत सारे ऐसे जॉब्स आने वाले हैं डिजिटल मार्केटिंग का, क्योंकि ये सारे बिजनेस जो ऑनलाइन जाने का ट्राई करेंगे, ऑनलाइन जाने की कोशिश करेंगे, वो ऑनलाइन लेके जाने वाला होगा एक डिजिटल मार्केटर। सारे छोटे छोटे बिजनेसेस को भी अब एक डिजिटल मार्केटर चाहिए होगा या कोई एक ऐसी एजेंसी चाहिए होगी जो उनके बिजनेस को ऑनलाइन लेके जाने में, ऑनलाइन उनका प्रमोशन करने में, ऑनलाइन उनकी मार्केटिंग करने में उनकी हेल्प कर सके। तो जॉब्स बहुत ज़्यादा क्रिएट होने वाले हैं 2021 में डिजिटल मार्केटिंग के अराउंड। सारे छोटे छोटे बिजनेसेस को डिजिटल मार्केटर चाहिए, सारे बड़े बिजनेसेस को और डिजिटल मार्केटर चाहिए, अच्छे अच्छे टैलेंटेड लोग चाहिए जो उनका डिजिटल प्रेजेंस बना के रख पाए एंड डिजिटल प्रेजेंस इंक्रीज कर पाए। तो मार्केट में बढ़ने वाला है डिजिटल मार्केटर का डिमांड, एंड ये मार्केटर का डिमांड कैसे फुलफिल होगा, वो फुलफिल होगा डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग से। तो डिजिटल मार्केटर ट्रेनर्स का भी डिमांड बढ़ने वाला है, ऐसे इंस्टीट्यूट, ऐसे कोचिंग ऑनलाइन ऑफलाइन का डिमांड बढ़ने वाला है जो डिजिटल मार्केटिंग पढ़ाते हैं, डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करवाते हैं या डिजिटल मार्केटिंग लोगों को सिखाते हैं। क्योंकि ये जो मार्केट में डिजिटल मार्केटर का डिमांड बढ़ने वाला है वो ऐसे इंस्टीट्यूट, वो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन, वो ऐसे क्लासेस और कोर्सेस ही फुलफिल कर सकते हैं। बात करें नेक्स्ट जो बड़ा चेंज आने वाला है 2021 में, या बात करेंगे 2020 में ही आ चुका है, तो वो है डिजिटल कोर्सेस के अराउंड। आपको ऑनलाइन कोर्सेस, वेबिनार और डिजिटल क्लासेस का जो एक्सेप्टेंस है वो बढ़ने वाला है। पहले जहां लोग ऑनलाइन कोर्सेस को सीधे मना कर देते थे, अब एक बार ऑनलाइन कोर्सेस को भी जरूर से जरूर कंसीडर करेंगे। पहले पढ़ाई का मतलब जो आपको ट्रेडिशनल क्लासरूम होता था, अब पढ़ाई का मतलब ऑनलाइन भी हो सकता है, जहां पर टीचर कहीं और बैठा है इन बच्चों को पढ़ा रहा है, एंड छोटे छोटे बच्चे भी ऑनलाइन पढ़ने को जा रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं। तो डिजिटल क्लासेस का, वेबिनार का, ऑनलाइन कोर्सेस का बहुत बड़ा मार्केट रेडी होने वाला है, बहुत बड़ा मार्केट पहले से रेडी हो चुका है। बड़े बड़े प्लेयर्स तो पहले से इसमें हैं और कुछ और नए प्लेयर्स आपको 2021 में देखने को जरूर से जरूर मिलेंगे। बात करें अगर नेक्स्ट जो बड़ा चेंज 2021 में आने वाला है डिजिटल मार्केटिंग के स्पेस में, तो ई कॉमर्स का एक्सेप्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। ई कॉमर्स में नए ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा क्रिएट होने वाले हैं। जो लोग पहले ई कॉमर्स से डरते थे, ऑनलाइन शॉपिंग से डरते थे, ऑनलाइन शॉपिंग से बचना चाहते थे, वो लोग भी अब ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे। ऑनलाइन शॉपिंग करने वाले लोगों का नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, ऑर्डर का नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। इसके अलावा छोटे छोटे प्रोडक्ट जो आपको होम यूजेज, होम एसेंशियल आइटम है, उनकी भी डिलीवरी अब ऑनलाइन शुरू हो जाएगी, एंड 2020 में ही शुरू हो गई, लेकिन ये पीक पकड़ने वाला है 2021 में। आपको ग्रॉसरी हो गया, वेजिटेबल हो गया,
फ्रूट्स हो गए, ऐसे ऐसे प्रोडक्ट की भी होम डिलीवरी आपको शुरू हो जाएगी। इसके अलावा शुरू होगा डोर स्टेप सर्विस का नया दौर। लोग बाहर नहीं जाना चाहेंगे किसी भी अपने प्रॉब्लम के लिए, कोई भी अपना सर्विस कराने के लिए, रिपेयर कराने के लिए या इस तरीके का कोई भी सर्विस को अवेल करने के लिए, लोग चाहेंगे घर पे ही आके उनको कोई ऐसा सर्विस देते। तो डोर स्टेप सर्विस का आपको नया दौर 2021 में देखने को बहुत मिलेगा। नेक्स्ट जो सबसे बड़ा चेंज आने वाला है 2021 में, ये आपको नुकसान पहुंचाने वाला है, बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने वाला है। जब इतना सारा डिजिटल ट्रांजेक्शन होगा, जब ऑनलाइन लोग पैसे ट्रांसफर करेंगे, ऑनलाइन सर्विसेस लेंगे, सर्विस बुक करेंगे, तो बढ़ेगा ऑनलाइन स्कैम। डिजिटल स्कैम 2021 में बहुत तेजी से बढ़ेगा, क्योंकि इंडिया में लोग डिजिटली कम अवेयर हैं, उनको बहुत ज़्यादा पता नहीं, उनको लगता है कि जो भी इंटरनेट पे दिख रहा है चीज़ वो सही ही है, व्हाट्सएप पे मैसेज आया तो बिल्कुल सही है, फ़ोन पे मैसेज आया तो बिल्कुल सही है। तो डिजिटल स्कैम इंडिया में बहुत बढ़ने वाला है 2021 में, बहुत ज़्यादा पैसा लोगों का ठगी किया जाएगा ऑनलाइन स्कैमर्स के द्वारा, डिजिटल स्कैमर्स के द्वारा। तो कोशिश कीजिएगा कि आप डिजिटली अपने आप को ग्रो करते रहे। अगर आप चाहते हैं मैं डिजिटल अवेयरनेस पे और वीडियो बनाऊं तो नीचे मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। एंड एक छोटा सा टिप मैं आपके साथ शेयर करते जाऊँ इस वीडियो में, डिजिटल अवेयरनेस के लिए, डिजिटल स्कैम से बचने के लिए, कोई भी आपको ऐसे कॉल आता है एंड वो आपको बैंकिंग डिटेल या आपको क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का डिटेल मांगते हैं, कोई भी ऐसा मैसेज आता है, तो उसको कम से कम 10 बार वैलिडेट कीजिए कोई भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करने से पहले। होपफुली फ्रेंड्स वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी है, वीडियो को रिसर्च करने में 3-4 दिन का समय लगा, रिकॉर्ड करने में 1 दिन का समय लगा, उसके बाद एडिट करने में 3 दिन का समय लगा। वीडियो को आगे लाइक करके ही बढ़े, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें, फ्रेंड सर्कल में वीडियो को दबा के शेयर कीजिए, फेसबुक में, व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम में। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए।